अस्सलाम वालेकुम। हक महर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ ज़ुबिया वक़ार के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने उस बद किरदार लड़की के बारे में क्या फ़ैसला किया है। जब वक़ार ये सुनता है तो उसे कहता है कि अपनी ज़बान को संभाल कर रखो, मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर ज़ुबिया भी यही कहती है कि मुझसे इस स्टोर में बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टोर में अपनी बीवी से ही बात करो। दूसरी तरफ सब खाना खा रहे होते हैं और खाने के दौरान जो है यहाँ पर वक़ार के वालिद यही पूछते हैं कि वक़ार तुमने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन वक़ार कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद वक़ार ये फ़ैसला करता है, अपने पेरेंट्स को आकर यही कहता है कि आप लोग जल्दबाजी में फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दबाजी में फ़ैसला करके कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विरसा को लेकर इस घर से अलग हो रहा हूँ। विरसा भी अपनी नन से यही कहती है कि ये कोई पहली दफ़ा मेरे साथ नहीं हो रहा, दुनिया में पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इस तरह बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और यहाँ पर जब वक़ार अलग होने का फ़ैसला करता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम इस लड़की के लिए हमें छोड़ रहे हो, तो वक़ार जो है विरसा को लेकर चला जाता है। इसके बाद जो है वक़ार के वालिद अपनी बीवी से यही कहते हैं कि इस टाइम इनको जाने दो, लेकिन ये बहुत जल्द आएंगे। इसके बाद वक़ार के वालिद जो है वो आदिल को कॉल करेंगे और आदिल को मोहरा बनाएंगे, इन दोनों को अलग।